अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं। आज मैं आपसे चिकन स्टीम रोस्ट की रेसिपी शेयर करने लगा हूँ। माशाल्लाह जी, बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत ही आसान तरीके से जो आपको बना के दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। माशाल्लाह जी, दो हमारे पास लाग पीस हैं, इनका वज़न 1 किलो है। अभी हम इनको टक लगा लेंगे। बिस्मिल्लाह, अच्छे तरीके से हमने इनको वॉश कर ली है। आपने इनमें गहरे टक लगा लेने हैं दोनों साइडों पर। जी अच्छे तरीके से हमने टक लगा ली है। अभी हम इसका मसाला रेडी कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, हाफ कप दही शामिल कर देंगे सबसे पहले। 1 टीस्पून इसमें चिकन पाउडर शामिल कर देंगे। इसके साथ ही 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर शामिल कर देंगे। 1/4 टीस्पून जायफल जावित्री का पाउडर शामिल कर देंगे। 1.5 टीस्पून नमक शामिल कर देंगे। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। वन टीस्पून सूरा पीसी हुई मिर्च शामिल कर देंगे। 1/4 टीस्पून जर्दा कलर शामिल कर देंगे, इससे बहुत ही ज़बरदस्त कलर आएगा। और साथ ही 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर शामिल कर देंगे। साथ में 1 टीस्पून सफेद सिरका शामिल कर देंगे। इसके साथ 1 टीस्पून लहसुन पाउडर शामिल कर देंगे। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून सूखा धनिया पाउडर शामिल कर देंगे। अभी हम मसाले को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। जी माशाल्लाह जी, मसाले को हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अभी हम लेग पीस में मसाले को लगा लेंगे। हाथ की मदद से भी आप लगा सकते हैं। अच्छे तरीके से आपने मसाले को लगा लेना है। जी लेग पीस को हमने अच्छे तरीके से मसाला लगा लिया। अभी हम 2 घंटे के लिए इसको ढक के फ्रिज में रख देंगे। 2 घंटे के बाद आपसे मिलते हैं। नहीं जी, 2 घंटे हो चुके हैं, इसको हमने कवर करके फ्रिज में रखा हुआ था। बिस्मिल्लाहिर्रहमान, फिर कवर वगैरह उतार लेंगे। और साथ ही हमने कढ़ाई ऊपर रख ली है, इसमें 2 चम्मच ऑयल डाल के रख ली है। नीचे तवा रखा है, तवे के ऊपर हमने कढ़ाई रखी है। अब बिस्मिल्लाह, नहीं जी अभी हम 5 मिनट के लिए फ्लेम को मीडियम रखेंगे। 5 मिनट के बाद फ्लेम को लो कर देंगे और इसको 1 घंटे के लिए हम स्टीम करेंगे। नहीं जी, 30 मिनट हो चुके हैं, अभी हम आपको इसकी कंडीशन चेक करवाते हैं। बिस्मिल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, देख सकते हैं क्या कंडीशन है। अभी हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। नहीं जी, इसकी साइड चेंज कर दी है। अभी हम फिर इसको ढक के 1/2 घंटे के लिए रख देंगे। बिस्मिल्लाह जी, माशाल्लाह जी, टोटल 1 घंटा कंप्लीट हो चुका है। अभी हम तवे को नीचे से निकाल देंगे। अभी हम इसको मीडियम फ्लेम पे पका लेंगे। अभी हमने इसको कवर करके नहीं पकाना है, इसको ऐसे ही बनाना है। इसका पानी खुश कर लेंगे। देखें जी माशाल्लाह जी, पानी खुश्क होना शुरू हो चुका है। 5 मिनट बाद हम इस दोनों की साइड चेंज कर देंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं, जल्दी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन को क्लिक करें ताकि हमारे हर नए आने वाले वीडियो आप तक पहुँच सके। इससे ज़्यादा दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। ले जी 5 मिनट हो चुके हैं, अभी हम इनकी साइड चेंज कर लेंगे। ले जी माशाल्लाह जी, 5 मिनट हो चुके हैं, फाइनल चिकन स्टीम रोस्ट तैयार हो चुका है। अभी हम आपको निकाल कर डिश आउट करके दिखाएंगे। ले जी माशाल्लाह जी, फाइनल चिकन रोस्ट तैयार हो चुका है। बहुत ही माशाल्लाह ज़बरदस्त तरीके से गल चुका है। बिस्मिल्लाह, देखें जी माशाल्लाह जी, कितने ज़बरदस्त तरीके से गला है। आप लोगों ने भी कमेंट करके हमें ज़रूर बताना है आपको कैसा लगा है।
उम्मीद करते हैं कि आपको आज की हमारी चिकन रोस्ट की रेसिपी अच्छी लगी होगी। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।